मुझे काफ़ी डाउट्स आते हैं इस पर्टिकुलर थियोरी के बारे में जो मेजर है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर रिवोल्यूशन के बारे में। अब इस पर्टिकुलर थियोरी में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली बोला क्या गया है। ओके, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थियोरी। अब आपको पता है कि देर वॉज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल ने एक लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। ये बायोजेनेटिक लॉ क्या बोलता है? इस बायोजेनेटिक लॉ की एक स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। अब इसका मतलब क्या है? ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। तो रिकैपिटुलेट्स का मतलब तो है, होता है रिपीट्स, लेकिन फाइलोजेनी का मतलब क्या है? फाइलोजेनी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बट ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है? ऑन्टोजेनी का मतलब है एम्ब्रियो लॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या है पहले हम इसको समझते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? अब आपको पता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल हमने बनाया एक जाइगोट, करेक्ट? जाइगोट से बनता है, जाइगोट के बाद होती है क्लीवेज, क्लीवेज के बाद बनता है एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में बेसिकली दो चीजें आती है हमारी, एक आता है ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर चीज है। अब ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला ये दोनों चीजें एक्चुअल में हमारी एक डेवलपमेंटल स्टेज को डिफाइन कर रही है कि मतलब पहले हमने जायगोट बना लिया, जायगोट से बन गया हमारा एम्ब्रियो और फिर वो बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बना गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला के बाद बेसिकली एक फुल्ली ग्रोन बेबी बन जाता है, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट वी नो। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन्टोजेनी का मीनिंग है ये पूरी चीज, अंडरस्टैंडिंग? तो ऑन्टोजेनी इस चीज को बता रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें फाइलोजेनी के बारे में, तो फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब फाइलोजेनी एग्जैक्टली क्या है इसको समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फाइलोजेनी क्या है। तो फाइलोजेनी का मतलब है कि ये तो आप सबको ही पता है कि दुनिया ऑन द स्पॉट नहीं बनी, दुनिया को बनाने के लिए हमें करना पड़ा है इवोल्यूशन, करेक्ट? इसका मतलब पहले सेल आया, फिर सेल से टिश्यूज आए, फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स आए और देन ऑर्गेनिजम्स आए, करेक्ट है? करेक्ट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में हम लोग एक और चीज बोल रहे हैं कि बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिज्म से आता है हमारा एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, करेक्ट? तो यही चीज हमने पढ़ी है हमारे पुराने सिलेबस में कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था वो वाटर में आया था। तो अब एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें तो फिश वर द अर्लियर वर्टिब्रेट्स। फिश से डेवलप होते हैं एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, उनको दोनों की जरूरत पड़ती है, और इवेंचुअली वो रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेप्टाइल्स से फिर आते हैं हम मैमल्स, एंड फिर उसमें मैमल्स एंड बर्ड्स बोल सकते हो आप बेसिकली। तो ये सारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इसको हम कहेंगे बेसिकली हमारा फाइलोजेनी। तो अब हमने जो पीछे पढ़ा कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, इसका मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो सब हमारे
इवोल्यूशनरी स्टेजेस से होकर के ही गुजरेंगे, राइट। मतलब ये कि हमारा जो फीटस होता है, ठीक है, तो जो हमारा फीटस है, दैट फीटस पासेस थ्रू, अगर हम बात करें हमारे फीटस के बारे में, तो हमारे पास एक टेल होती है, ठीक है, इवन हमारे पास कुछ गिल स्लिट्स भी होते हैं। तो अगर आप ह्यूमन के बारे में बात करें, तो ना तो ह्यूमन के पास गिल स्लिट्स हैं और ना ही उसके पास कोई टेल है, अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि हमारे पास जो आज के फीचर्स हैं वो हमारे पास हमारे पास जो आज फीचर्स नहीं हैं वो हमारे पास आज से पहले हुआ करते थे, अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इस वक्त हमारे पास गिल स्लिट्स नहीं है और ना ही हमारे पास टेल है, लेकिन हमारे एम्ब्रियो में ये चीज दिखती है। वो क्यों दिखती है, क्योंकि ये हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में थी कहीं तो, अंडरस्टैंडिंग। मतलब फिश के पास टेल होती है, एम्फीबियंस के पास और रेप्टाइल्स के पास भी टेल होती है। सो दिस इज व्हाट वी नो सो फार। अब हम समझेंगे कि हमारे पास जो अर्नस्ट हैकल है, अब इसने क्या कहा था। अर्नस्ट हैकल ने क्या बोला है, अर्नस्ट हैकल ने हमें बोला है कि इस बायोजेनेटिक लॉ के जरिए, अर्नस्ट हैकल ने हमें कहा कि हमारे पास, अगर हम हमारा जाइगोट देखें और जाइगोट से हम हमारा मोरियुला देखें और मोरियुला के बाद हम हमारा ब्लास्टुला देखें, समझा मैंने क्या बोला, जाइगोट, जाइगोट से हमने क्या देखा, मोरियुला, मोरियुला से हमने क्या देखा, ब्लास्टुला। सिंपल, ये तीन पर्टिकुलर सेशन समझ में आ गए। अब यही चीजें हमने बोला कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये फिश में भी होती है, ठीक है, ये एम्फीबियंस में भी होती है, ठीक है, ये रेप्टाइल्स में भी होती है, ठीक है, और ये मैमल्स में भी होती है। सब के सब इसी तरीके से ही डेवलप होते हैं, क्लियर। अब अगर मैं फिश का एम्ब्रियो देखूं, फिश का अगर मैं एम्ब्रियो देखूं, तो मुझे दिखेगा कि इनके पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर एम्फीबियंस में भी है, ओके, सैलामेंडर को अगर हम देख लें तो उनमें भी इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, ठीक है, और सिमिलर रेप्टाइल्स में भी दिखता है हमें। अगर हम लीजर्ड को या स्नेक के एम्ब्रियो को या फिर हम टर्टल के एम्ब्रियो को, टॉर्टोइज या फिर किसी के भी एम्ब्रियो को देखें तो उनमें भी ऐसा दिखता है। इवेंचुअली अगर आप मैमल में, बराबर, किसी माउस को देखें या फिर कुछ देखें तो उनका भी एम्ब्रियो आपको ऐसा ही दिखेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, व्हाट कुड बी द रीजन, ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है कि सबके पास टेल है और गिल स्लिट्स है, टेल और गिल स्लिट्स है। या तो ये सब एक ही बेबी बनाने वाले हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने देखा कि ये फिश का है या एम्फीबियन का है या रेप्टाइल का है और ये मैमल का है, तो ये एक बेबी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हो। तो ये जो पर्टिकुलर प्रूफ है ये हमें अर्नस्ट हैकल ने दिया था, बट अर्नस्ट हैकल ने एक बात गलत बोल दी। उसने कहा कि दे ऑल विल पास थ्रू, मतलब ये चारों के चारों अपने एंसेस्टर्स के, ऐसा बोला जा रहा है कि मैमल्स के एंसेस्टर रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स फिश है। तो अगर मैमल का लार्वा ग्रो करेगा, मतलब मैमल का अगर एम्ब्रियो ग्रो करेगा और वो अडल्ट में डेवलप होगा, बराबर, तो वो सबके फेजेस को पार करेगा, ऐसा अर्नस्ट हैकल बोल के गया। अर्नस्ट हैकल ने क्या बोला कि मैमल रेप्टाइल बनेगा पहले, फिर एम्फीबियन, मतलब पहले फिश बनेगा, एम्फीबियन बनेगा, रेप्टाइल बनेगा और फिर मैमल बनेगा हर बार। मतलब मान लीजिए कि ह्यूमन की बॉडी में जाइगोट बना, तो जाइगोट जब मोरियुला बनेगा फिर ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद वो ऐसे फीचर दिखाएगा जो रेप्टाइल में होते हो, फिर वो ऐसे फीचर भी दिखाएगा जो एम्फीबियन में होते हो, और फिर वो ऐसे फीचर भी दिखाएगा जो फिश में होते हो। मतलब इट विल पास थ्रू ऑल द स्टेजेस, बराबर, जो कि इस बुक में यहां पर मेंशन किया हुआ है। देखो यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि अर्नस्ट हैकल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑन सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट
फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन दे डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, मतलब हमारे एम्ब्रियो में भी ये गिल स्लिट्स होते हैं और ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और फिश सबके पास होते हैं, क्लियर। लेकिन उसने एक चीज बोल दी कि इट इज फंक्शनल ओनली इन अ फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट। ये कौन बोल के गया है? ये बोल के गया है हमारा अर्नस्ट हेकल, क्लियर। तो ये बात सच है कि भाई वो फंक्शनल सिर्फ मैमल में, सॉरी, फंक्शनल सिर्फ फिश में होता है, बाकी सब में वो फंक्शनल नहीं होता। बट पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड बाय अर्नस्ट वॉन बेर। अब वॉन बेर ने क्या बोला, वॉन बेर को समझते हैं। वॉन बेर जो साइंटिस्ट था, इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई मैमल कभी भी रेप्टाइल या एम्फीबियन या फिश ऐसे नहीं बनेगा। उसने भले ही ये फिश गिल स्लिट वाला फीचर दिखा दिया हो, रेप्टाइल वाला कौन सा फीचर दिखाया, एम्फीबियन वाला कौन सा फीचर दिखाया, ये तो कोई भी फीचर नहीं दिखाया। तो मतलब ये होता है कि मैमल अडल्ट में जब कन्वर्ट होते हैं, दे नेवर पास थ्रू रेप्टाइल, एम्फीबियंस और फिश के कैरेक्टर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब यहां पर उन्होंने क्या बोला, ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो अदर एनिमल वाला वर्ड है, ये एक्चुअल में रेप्टाइल, एम्फीबियन और फिश के बारे में है, समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉन बेर ने बायोजेनेटिक लॉ को डिसअप्रूव किया। तो वॉन बेर डिसअप्रूव्ड बायोजेनेटिक लॉ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझा। तो इस तरीके से उसने ये प्रूव किया।